नमस्कार, मैं अमकेश सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि तिब्बती शरणार्थियों मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच फंस चुका है नेपाल। काठमांडू में तिब्बती शरणार्थी शिविरों में एक अमेरिकी अधिकारी की हाल की यात्रा बीजिंग के साथ अच्छी नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा सहित उच्च स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात की गई। हालांकि काठमांडू में दो तिब्बती शरणार्थी शिविरों की उनकी यात्रा ने मीडिया पर सबसे अधिक ध्यान खींचा है। 25 मई को आयोजित 14वें नेपाल चीन द्विपक्षीय सलाहकार तंत्र में एक प्रतिभागी ने कहा कि चीन ने परोक्ष रूप से तिब्बती शरणार्थियों शिविरों की यात्रा के बारे में आपत्ति व्यक्त की है। 1958 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने हम्पा विद्रोह के समर्थन में एक गुप्त अभियान चलाया था, जबकि भारत ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लड़ने वाले खाम विद्रोहियों के लिए खुफिया सहायता प्रदान की थी। और तिब्बत के शरणार्थी नेपाल में शरण ले रहे हैं, जिस कारण अमेरिका और चीन के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। वर्तमान में नेपाल लगभग 20,000 तिब्बती शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है और नेपाल इन गरीब और बेबस तिब्बत के शरणार्थियों को बड़ी सुरक्षा दे रहा है, जिस कारण चीन और नेपाल के संबंध बिखरते नजर आ रहे हैं। हमारे वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।